हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मायसेल्फ प्राचीन होने वाली सीएम प्राची। गाइस, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में गाइस, मैं स्पेशली बताने वाली हूँ आपको कि कब हम लोग को आईटीसी मिलती है और कब नहीं मिलती। तो मैं आज बहुत ब्यूटीफुल चार्ट बना के आपको समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। सबसे पहले गाइस, आपको पता है कि जीएसटी कब लगता है? जब सप्लाई होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब सप्लाई क्या हो सकती है? टैक्सेबल भी हो सकती है और एग्जाम्ड भी हो सकती है। क्लियर हुआ यहां तक? देन ये नॉर्मल वाली भी हो सकती है या तो फिर कंपोजिशन भी हो सकती है। कंपोजिशन मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी कि कैसे होती है। क्लियर? ठीक। अब इसमें एग्जाम्ड भी तीन टाइप का होता है। एक निल रेट होता है, एक पूरा का पूरा एग्जाम्ड होता है, एग्जाम्ड जीएसटी जिसको बोलते हैं, और एक होता है नॉन टैक्सेबल। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस कि इस केस में आईटीसी जो रहता है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलता। ठीक है, इन केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ओनली इन दिस केस आपको आईटीसी मिलता है। क्लियर हुआ? ये इन सारे केसेस में आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होता। ये फ्लो चार्ट आप अपनी कॉपी में पक्का बना लीजिए सो दैट क्लियर हो जाए। इसमें मैं आपको रेट्स भी मेंशन कर देती हूँ। हमारे पास टैक्सेबल में कौन कौन सा रेट है? जीरो रेट है, 5% है, 12% है, 18% है एंड 20%। और अपना कंपोजिशन में रहता है 6%, 5% या फिर 1%। ठीक है, तो अगर आपको ये डाउट हो रहा होगा कि मैम आईटीसी कब कब मिलता है, कब कब नहीं मिलता है और जीरो रेटेड पे क्या होता है, तो उसके लिए मैं बता दूंगा, जीरो रेटेड नॉर्मल के अंदर आता है और उस पर अपन को आईटीसी बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, नॉर्मल में हमको आईटीसी मिलता है, बाकी केसेस में हमको आईटीसी नहीं मिलता है। तो जीरो रेटेड में क्या हुआ? मिलता है। क्लियर हुआ? तो गाइस, ये छोटा सा चार्ट था आप लोग के लिए। आई होप आपको बहुत बेनिफिशियल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।